अभी हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन देखा था, न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे देखने को मिलता है, उसका रोल क्या है इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, और न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप विद द स्मॉल यूनिट्स, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह सब कुछ देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो आप लोग कंपेयर कीजिए या फिर देखिए वहाँ पे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नाइट्रोजीनियस बेस। द नाइट्रोजीनियस बेस विच इज द सेकेंड मॉलिक्यूल विच इज हेल्पिंग इन द मेकिंग ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। सो दिस नाइट्रोजीनियस बेस इज एन हिटरोसाइक्लिक इन नेचर बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट रिंग्स, उसके अंदर डिफरेंट रिंग्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। दिस इज प्लेनर इन नेचर, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस इज हेटरोसाइक्लिक, कंटेंट डिफरेंट रिंग्स। और नाइट्रोजीनियस बेस कैसा होता है, इट इज प्लेनर इन नेचर। प्लेनर का मीनिंग ये होता है इट इज रिजिड, रिजिड होता है और नॉर्मली अपना स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है, कॉन्स्टेंट रहता है। द नेक्स्ट थिंग, इट इज एंड वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और एरोमेटिक मॉलिक्यूल का मीनिंग ये होता है इट कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग। नॉर्मली उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, बेंजीन रिंग। यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस आर हेटरोसाइक्लिक इन नेचर बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रिंग्स, दे आर प्लेनर इन नेचर, दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर स्ट्रक्चर नॉर्मली, एंड दे आर वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ एन बेंजीन रिंग। द नेक्स्ट थिंग, नाउ दीज नाइट्रोजीनियस बेसेस आर नॉर्मली टू टाइप्स, दो प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेसिस हम लोग नॉर्मली देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। सो दे आर प्यूरिन्स, द सेकेंड ग्रुप इज पिरामिडिन्स। यानी के प्यूरिन्स एज वेल एज पिरामिडिन्स आर द टू ग्रुप्स ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस, या फिर देर आर द टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। सो दोनों नाइट्रोजीनियस बेसी है, लेकिन दोनों के अंदर क्या फर्क है वो भी हम लोग यहां पे देखेंगे। प्यूरिन्स आर एक्चुअली नाइन मेंबर्ड मॉलिक्यूल, वेयर एज पिरामिडिन्स दे आर कंसिस्ट ऑफ सिक्स मेंबर्ड रिंग। यानी कि यहां पे नाइन मेंबर्ड रिंग होता है, सो वहां पे कितने मेंबर का रिंग होता है, सिक्स मेंबर्ड रिंग। देन नेक्स्ट थिंग, व्हेन यू गो फॉर दिस प्यूरिन्स या फिर द टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स, so the purines are actually two types, they are adenine, the second type is guanine, whereas pyrimidines are three types, cytosine, thymine and uracil. Simple, purines are two types, adenine and guanine, whereas pyrimidines are three types, cytosine, thymine as well as uracil. The next thing, when you draw in skeletal structure, maine bola tha nine membered ring hai, so the structure will be like this. This is a six membered ring, consist of a single benzene ring. Okay, देखिए purines they are the double ringed structure, whereas the pyrimidines are the single ringed structure. इसीलिए purines are heavier, okay, या फिर purines are larger compared to the pyrimidines, क्योंकि इसके अंदर दो रिंग है, थोड़ा सा मॉलिकुलर वेट ज्यादा रहेगा, हैवी रहेगा, मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा रहेगा। वेर एज पिरामिडिन्स इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर वेट कम रहेगा और इसका साइज भी जो है कम रहेगा। देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। मैंने बोला इट इज एन हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजीनियस बेसिस सर विच कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बना हुआ एक कंपाउंड है, तो कौन से पोजिशन पे नाइट्रोजन रहेगा और कौन से पोजिशन पे कार्बन रहेगा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, वन सेकेंड मॉलिक्यूल का नंबरिंग, थर्ड, यहाँ पे फोर्थ मॉलिक्यूल रहेगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर वन जो रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, मॉलिक्यूल नंबर जो थ्री रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा,
मॉलिक्यूल नंबर जो 7 है ये नाइट्रोजन रहेगा, और मॉलिक्यूल नंबर जो 9 है ये भी यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे, दीज ऑल आर द कार्बन, यानी कि इनको छोड़ के बाकी के जो नंबरिंग हम लोगों ने डाल के रखा है वो कार्बन रहेंगे, हम लोग सोच लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख लेते हैं नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेंबर रिंग है। ओके, और नाइट्रोजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, पोजीशन नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 पे भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट थिंग यहाँ पे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया है। सो एडेनाइन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्यूरिन, ग्वानाइन इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्यूरिन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इनका केमिकल नेम्स भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एडेनाइन इज नॉर्मली कॉल्ड एज, शॉर्टली लिख लेता हूं मैं, एडेनाइन इज नॉर्मली कॉल्ड एज 6-amino-purine। तो एडेनाइन को हम लोग केमिकल नेमिंग क्या डाल लेते हैं यहां पे, एडेनाइन इज केमिकली नोन एज 6-amino-purine। ओके, वेयर एज ग्वानाइन इज नॉर्मली नोन एज 6-oxy-2-amino-purine, यानी कि ग्वानाइन का केमिकल नेम क्या है, 6-oxy-2-amino-purine। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन, कहां पे पिरामिडिन्स के अंदर देयर आर 3 टाइप्स, साइटोसाइन इज नॉर्मली नोन एज, या फिर इट इज केमिकली नोन एज 2-oxy-4-amino-pyrimidine, 2-oxy-4-amino-pyrimidine। थाइमाइन इज केमिकली नोन एज, या फिर उसका केमिकल नाम ये रहेगा 2, यूरासिल हम लोग लिखते थे, यूरासिल इज नॉर्मली कॉल्ड एज 2-4-dioxy-pyrimidine, वेयर एज लास्ट वन बचा कौन सा यहां पे, थाइमाइन, थाइमाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5-methyl, ओके 2-4-dioxy-pyrimidine। देखो नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एनसीईआरटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हम लोग देख सकते हैं उसके बेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, तो नाम को फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एडेनाइन इज कॉमनली कॉल्ड एज 6-aminopurin, केमिकल नाम उसका, ग्वानाइन इज कॉल्ड एज 6-oxy-2-aminopurin, साइटोसाइन इज कॉल्ड एज द 2-oxy-4-aminopyrimidine, यूरेसिल इज कॉल्ड एज 2-4-dioxy-pyrimidine, थाइमाइन इज कॉल्ड एज 5-methyl-2-4-dioxy-pyrimidine। देखो अगर ये नाम याद रहेंगे हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर को ईजी, यानी फिर इसको ईजिली हम लोग रिमेंबर रख सकते हैं, फिर ईजिली इसको ध्यान में रख सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं 6-aminopurine, यानी कि एडेनाइन जो होता है उसके 6th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है। ओके, तो नाम बन गया देखो 6-aminopurine, बिकॉज दिस इज द नाइट्रोजन बेस, ऑन द 6th पोजीशन इट इज हैविंग एन अमीनो ग्रुप, दैट्स व्हाई इसका जो केमिकल नेम रहेगा 6-aminopurine। देन नेक्स्ट वन देखो, अगर NH2 रहता है तो इट इज कॉल्ड एज द अमीनो ग्रुप, अगर NH रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज द इमीनो ग्रुप, वो भी डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे। देन नेक्स्ट कौन सा रहेगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही रहेगा, अभी है ग्वानाइन 6-oxy-2-aminopurine, आप लोग आराम से बोल सकते हो 6th पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन है, और 2nd पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन कम टू दिस वन, यहां पे देखिए द फर्स्ट मॉलिक्यूल साइटोसाइन 2-oxy-4-aminopyrimidine, यानी कि इसका 2nd पोजीशन पे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन, और 4th पोजीशन पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अमीनो ग्रुप। ये रहेगा स्ट्रक्चर किसका,
साइटोसाइन का, टू ऑक्सी फोर अमीनो पिरामिडिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, यूरैसिल का। यूरैसिल का स्ट्रक्चर देखिए, इसको निकाल देता हूँ, यू कैन नेम, आप लोग आराम से नाम इसको रख सकते हो, 2,4-dioxy, यानी कि डाई का मीनिंग है दो, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ पोजिशन पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सेकेंड पोजिशन पे ऑक्सीजन और फोर्थ पे ऑक्सीजन। देखिए स्ट्रक्चर को कंपेयर कीजिए नाम के साथ, यूरैसिल 2,4-2,4, दो है, डाइऑक्सी पिरामिडिन। देन कम टू द लास्ट वन, थायमाइन। थायमाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, यानी कि इसके फिफ्थ पोजिशन पे हम लोगों को मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, CH3। ओके, देखिए नाम कंपेयर कीजिए, फिफ्थ पोजिशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल 2,4-dioxypyrimidine। तो और एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, क्या अगर हम लोगों ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखा है यूरैसिल का, तो यूरैसिल का स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिला था, सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन, ये हुआ हम लोगों का यूरैसिल, जिसका नाम है 2,4-dioxypyrimidine। देखिए व्हेन द मिथाइल ग्रुप इज एडेड टू यूरैसिल, यानी कि यूरैसिल के अंदर जब मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, मिथाइल ग्रुप। ओके, देन द यूरैसिल टर्न्स इनटू, या फिर यूरैसिल इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बदल दिया जाता है, थायमाइन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एज द मिथाइलेशन ऑफ यूरैसिल, यानी कि आफ्टर द मिथाइलेशन ऑफ यूरैसिल व्हाट वी आर गेटिंग, क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग एन थायमाइन। सो मिथाइलेशन ऑफ यूरैसिल विल गेट एन थायमाइन। ओके, सो यहां पे बहुत सारे, या फिर हम लोग यहाँ पे मिथाइल का और एक नाम भी हम लोग बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 5-methyl-uracil, सॉरी थायमाइन का और एक नाम क्या है, 5-methyl-uracil। तो वन मोर, यहाँ पे और एक क्वेश्चन कॉमनली देखने को मिलता है, आउट ऑफ 5 nitrogenous bases, तो अभी हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन बेसिस जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स दोनों मिला के कितने देखने को मिल रहे, यहाँ पे दो है और यहाँ पे कितने हैं, तीन है यूरैसिल। सो टोटल हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसिस आर देयर, 5 nitrogen bases आर देयर। आउट ऑफ 5 nitrogen bases ओनली 4 nitrogen bases आर फाउंड इन अ DNA एंड ओनली 4 nitrogen bases आर फाउंड इन केस ऑफ RNA, यानी कि 5 nitrogen bases में से केवल 4 nitrogen bases आर प्रेजेंट या फिर रहते हैं, देखने को मिलते हैं कहाँ पे, DNA के अंदर। और उसी प्रकार से 5 में से केवल 4 nitrogen bases हम लोगों को देखने को मिलेंगे कहाँ पे, RNA के अंदर, यानी कि DNA के अंदर 1 nitrogen bases absent है, कम है। ओके, और RNA के अंदर भी 1 nitrogen base क्या है, absent है। तो यहाँ पे जो absent nitrogen base है, या फिर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से रहते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ 5 द 4 nitrogen bases विच आर फाउंड इन द DNA, ये जो 5 है इसमें से 4 रहेंगे यहाँ पे, और 4 इस प्रकार से रहेंगे, दे आर एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। तो क्लियर है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन यूरैसिल में से 1, 2, 3, 4 है, यानी कि 1 एब्सेंट है यहाँ पे और उसका नाम है यूरैसिल, यानी कि यूरैसिल इज द नाइट्रोजन बेस विच इज कॉमनली एब्सेंट इन केस ऑफ एन DNA। और उसी प्रकार से RNA के अंदर देख लेते AGCU, यानी कि RNA के अंदर रहने वाले एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, यूरैसिल एंड द नाइट्रोजन बेस विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ द RNA इज नथिंग बट यूर थायमाइन। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं विच इज प्रेजेंट, विच इज एब्सेंट। द नेक्स्ट वन, साइटोसाइन, थायमाइन, यूरैसिल और एडेनाइन, ये मैंने 4 लिख दिए यहां पे शॉर्टली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज एंड साइटोसाइन, थायमाइन, यूरैसिल एंड एडेनाइन। सो विच ऑफ द नाइट्रोजन बेस इज हैवियर, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन जो आप लोगों को दिए गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो हैवी है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो सिंपल है, मैंने बोला था साइटोसाइन, थायमाइन, यूरैसिल ये तीनों क्या है, पिरामिडिन्स है, और पिरामिडिन्स का मीनिंग होता है दे आर मेड अप विथ ओनली 1 ring, 6-member कंपाउंड है, और एडेनाइन जो है ये क्या है, प्यूरिन है, तो ये डबल मेंबर स्ट्रक्चर रहेगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, डबल मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा रहेगा। तो आप लोगों को ऑप्शन में निकालना होगा एडेनाइन
इज हैवियर कंपेयर टू साइटोसाइन, थायमिन एज वेल एज यूरैसिल. ओके, देन नेक्स्ट कम टू द थर्ड मॉलिक्यूल. अभी हम लोगों ने बात किया था शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है. देन कम टू द लास्ट मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज द फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड. द फॉस्फोरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज H3PO4. उसको हम लोग H3PO4 के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज एसिडिक इन नेचर. यानी कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर एसिडिक मॉलिक्यूल कौन सा है, तो उसका आंसर जाएगा फॉस्फेट ग्रुप. सो फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक है, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को भी कौन सा नेचर मिलेगा, एसिडिक मिलेगा. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड का भी नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज गिविंग एन एसिडिक प्रॉपर्टी टू द न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे यहां पे. नाउ वी विल गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अभी हम लोगों को यह मालूम हुआ है कि तीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं कहां पे, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है. अब ये तीनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू मेक एन बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ, वो हम लोग यहां पे देखेंगे. तो सबसे पहले मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा द फर्स्ट मॉलिक्यूल शुगर. ओके, एच एच ओ एच एच, दिस इज एन सी एच टू ओ एच, दिस विल बी एच एंड OH. देखिए, इफ इट इज ओ एच कौन सा शुगर बन जाएगा, दिस विल बी डी ऑक्सी राइबोस, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां पे कम है. अगर यहां पे O लिख दूंगा मैं, इट विल बी अ राइबोस. तो सबसे पहले कार्बन नंबर वन, फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, दिस इज द फिफ्थ प्राइम, ठीक है. मैंने बोला था ये प्लेनर होता है, अ कॉमन प्लेन. अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिस इज द ओ एच एंड दिस टू आर द ओ एच विच आर अबो द प्लेन, मैंने बोला था वो क्या हम लोग बोलेंगे उसको, बीटा. अगर प्लेन के नीचे रहेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द अल्फा. तो नाउ दिस इज द शुगर, पेंटो शुगर. नाउ दिस पेंटो शुगर के अंदर रहने वाला जो कार्बन नंबर वन है, इसका जो हाइड्रोक्सिल रिएक्टिव ग्रुप है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विथ नाइट्रोजन बेस. किसके साथ कंबाइन करेगा ये, नाइट्रोजन बेस. ओके, तो अगर यहां पे एच है, इसका मीनिंग है ये डीऑक्सीराइबोज है. मैंने बोला था डीऑक्सीराइबोज यानी कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस कौन से रह सकते, केवल चार, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थायमाइन, ठीक है, क्योंकि यहां पे यूरासिल एब्सेंट है. तो हम लोग यहां पे ये भी सोचेंगे कि आउट ऑफ द फोर नाइट्रोजन बेसेस ओनली वन नाइट्रोजन बेस कैन कंबाइन विथ, कैन ज्वाइन विथ सिंगल पेंटोज शुगर. यानी कि एक शुगर के साथ एट ए टाइम एक ही समय पे कितने नाइट्रोजन बेस जुड़ सकते हैं, तो उसका आंसर निकलेगा केवल एक. तो आउट ऑफ फोर मैं यहां पर यह लिख दूंगा एडेनाइन. ओके, आउट ऑफ फोर वी कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉल्ड एज द एडेनाइन. एडेनाइन हो सकता है, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, चार में से केवल एक जुड़ेगा, इतना हम लोग यहां पे सोच के चलेंगे. एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड हियर बिटवीन द शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइको साइडिक बॉन्ड. इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. मैंने बोला था बीटा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज द ओ एच इज अबो द प्लेन, उसी ने बॉन्ड बनाया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. देन नेक्स्ट वन, व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ ईच अदर, द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज द शुगर, द सेकेंड मॉलिक्यूल इज द नाइट्रोजन बेस. जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो हम लोगों को नए प्रकार का या फिर न्यू मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है. सो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइट. देखिए द डिफरेंस, व्हेन द शुगर कंबाइंस विथ नाइट्रोजन बेस वी आर गेटिंग अ न्यू मॉलिक्यूल. ओके, एंड दैट न्यू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइट. देन कम टू द नेक्स्ट वन, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर जो फिफ्थ है, सो दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विथ, ये जाके रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू कंबाइंड विद द फॉस्फेट ग्रुप. किसके साथ जाके जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप. ओके, नाउ द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड हियर इज, जो बॉन्ड यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, फॉस्फो
ईस्टर बॉन्ड। ओके, जो बॉन्ड यहां पे देखने को मिला वो कौन सा है, इन बिटवीन द शुगर पेंटो शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका नाम है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं, नाउ दिस इज अ न्यू कंपाउंड। पहला वाला कंपाउंड का नाम रखा था हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड, जिसमें केवल दो मॉलिक्यूल थे, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अभी ये जो नया कंपाउंड मिला इसमें तीन है, कौन से है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, और कौन जुड़ गया साथ में, फॉस्फोरिक एसिड। व्हेन द थ्री कंबाइंड्स तो सिंपली वी हैव टू कॉल इट एज न्यूक्लियोटाइड। तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फोरिक एसिड, जब ये तीनों जुड़ेंगे तो हम लोगों को सिंगल क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। नाउ दिस इज एन सिंगल न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसा होता है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो सो वी विल सी हाउ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दोनों हम लोग साथ में देखेंगे। थैंक यू।